यहाँ पे दोबारा तो मैं तो वो ड्रैगन है, वो हॉलीवुड के मूवी में आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा मुंह से आग वगैरह ऐसे फेंकता है, तो वो ड्रैगन होता है, छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। उसकी जो पूंछे होती है वो लहरा के चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है, जो फर्स्ट सेंटेंस है जो हमारा, वो बता रहा है कि ये जो है, हाँ, ड्रैगन जो है लैश्ड कर कर चल रहा है, अपने पूंछ को लहराते हुए चलता है। और वो जब भी लहरा के चलता है ना, तो आप मूवी में देखना, थोड़ा सा हॉलीवुड का मूवी है बहुत सारा, जिसमें ड्रैगन को शो किया गया है। तो वहाँ पे ड्रैगन एज अ विलेन रहता है। वो जब भी वो अपना पूंछ वगैरह लहराता है ना, तो पता चलता है कि उधर से गाड़ी वाड़ी ऐसे लग रहा है कि कागज़ की तरह उड़ रहा है, तो ऐसे रहता है। तो वो पहले होते होंगे ऐसे, बहुत मतलब हज़ारों साल पहले ऐसे ड्रैगन होते होंगे, जैसे डायनासोर थे वैसे। तो यहाँ पे यही चीज़ है। दूसरा देखते हैं, विद द सुबॉर्डिनेट क्लॉज। अब क्या है इसके साथ, सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके साथ ऐड किया गया है। जैसे मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज में बताया था, पहला वाला जो सेंटेंस है ना, कंप्लीट सेंस है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, द ड्रैगन लैश्ड इट्स टेल। उसके साथ जो सुबॉर्डिनेट लगा है उसको ऐड कर दिया है कुछ, द ड्रैगन लैश्ड इट्स टेल बिकॉज इट वॉज एंग्री। सही बात है यार, ड्रैगन जब भी अपना पूंछ को लैश करता है, जब ये इधर आगे पीछे करेगा, हिलाता है जब भी, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में था इसलिए। सही बात है, वो गुस्सा होता है तभी ऐसे करता है। तो उसमें वो हॉलीवुड वाला सीन का मैंने देखा है मूवी, उस समय देखता था बचपन में, तो थोड़ा देखता था, बड़ा डरावना लगता है यार ड्रैगन। तो वो गुस्सा में होता है तभी ऐसे रहता है, और गुस्सा वाला ही सीन दिखाता है फिल्मों में। इसके बाद है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड किया है, ध्यान से समझिएगा। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ पे बताया था, और इट कैन वर्क विथ अदर क्लॉजेस। तो यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है वो, द ड्रैगन लैश्ड इट्स टेल एंड एवरी वन ट्रेम्बल्ड। बता रहा है ड्रैगन अपना तो पूंछ जो है वैसे लहरा रहा है, तबाही मचा रहा है, और सभी लोग जो हैं, हर लोग कांप रहे हैं डर के मारे। तो इसमें दो दो हैं, इसमें आपको देखेंगे दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, याद रखिएगा। एंड से जो जुड़ा हुआ है ना, वहाँ पे दो दो है, याद रखिएगा ये चीज़, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं सुबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में। अ सुबॉर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, इट ऑलवेज नीड्स टू बी कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ सुबॉर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ वर्ड्स सच एज बिकॉज और ऑल दो दैट कनेक्ट्स इट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सुबॉर्डिनेट क्लॉजेस। अब ये बता रहा है बाबू, कंजंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो एकदम सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे सुबॉर्डिनेट की तरह यूज़ किया गया। और सुबॉर्डिनेट कैसे समझेंगे बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वर्ड सच एज बताया गया है, बिकॉज और ऑल दो, ये दोनों कंजंक्शन है और दोनों सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। और यहाँ पे ये बताया गया, सुबॉर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे सुबॉर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि आपको दूसरे के सहारे निर्भर रहना है, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर रहता है, यानी मेन क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, वो अकेला नहीं आएगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट रहता है। और जब भी इसका जब भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे ऑल दो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पे सुबॉर्डिनेट क्लॉज बोला गया है, उसको सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी कहा जाता है। वहाँ पे एंड, ऑल दो, बहुत सारे हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ये, और ये कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक है। और यहाँ पे सुबॉर्डिनेट के तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं, एडवर्ब हैं, और नाउन क्लॉजेस हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में बता रहा है, एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। टू ईट यूजुअली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन। अब समझना है इसी चीज़ को, ठीक है।
यहाँ पे कह रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पे क्लॉज हटाओ, पहले पहले एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, नॉर्मली जानते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है बाबू, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसका क्लॉज में क्या यूज़ होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आके नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बात आता है। और ये जो शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउन से होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, प्रोनाउन का मैंने बताया था ना, वहाँ पे चार पांच प्रोनाउन का बताया था मैंने, आप सेवन्थ क्लास में थे उस समय प्रोनाउन के। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध बताना, तो संबंध बताएंगे तो दूसरे के साथ ही होगा, तो दूसरा का नाम लेंगे तो वो जोड़ेगा ना, फिर रिश्ता बताएंगे दूसरे के साथ, हाँ ये मेरा कज़िन है, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं ना। तो वहाँ पे जब ही होगा तो वहाँ पे तो कंजंक्शन का काम होगा ही ना। मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मेरा नाम मनीष है और ये मेरा छोटा भाई, एंड ही इज़ माय यंगर ब्रदर अनीश रजनीश, ऐसा बोलेंगे ना। तो एंड क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है ना। और फिर वहाँ पे एक चीज़ और भी होता है, अब एंड तो रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है, हुम लगाते हैं लोग, विच लगाते हैं लोग, विच नॉन लिविंग के लिए हु लगाते हैं, हुम लगाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। तो वो जो हुम हुम लगाते हैं, विच लगाते हैं, यही रिलेटिव प्रोनाउन है जो आप अपने बारे में बताएंगे कि हाँ मैं ही वो लड़का हूँ जिसने यह काम किया, तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है बाबू। और ऐसे ही इसमें यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुम और विच लगा के, दैट भी तो होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन, वहाँ भी तो लगा के दैट लगा के बनाते हैं कि नहीं आप लोग। तो वैसे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जितना भी होता है आप याद रखेंगे, सुबॉर्डिनेट में उसका यूज़ किया जाता है, तो एडजेक्टिव में ज़्यादातर यूज़ होता है। आगे देखेंगे एडवर्ब का, एडवर्ब के बारे में जानते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में मॉडिफाई करता है वो, बताता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एडजेक्टिव एन एडवर्ब क्लॉज इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट बिगिंस विद अ सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन तीनों में आएगा, वहाँ पे आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कोई भी कंजंक्शन का आप सिंपल सा फंडा समझो, ये सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देख रहे हैं ना, बड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे उसमें, उसमें सिंपल सा समझो ना कि सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज बोलने बोला था, यहाँ पे सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल दिया, वही सेम चीज़ है, वहाँ पे जो दो सेंटेंस को जोड़ता है ना वही होता है बाबू, वहाँ पे सुबॉर्डिनेटिंग आप कुछ भी लगाओ, सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देखने जाएंगे ना सैकड़ों है, तो वहाँ पे जो भी यूज़ कर लो, ठीक है ना, अकेला नहीं आता है। सुबॉर्डिनेट क्लॉज का ही मतलब होता है वो डिपेंडेंट रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और जितना भी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं, सारा का सारा एकदम, वो आपको कमांड रखना होगा कंजंक्शन कितना होता है, सुबॉर्डिनेटिंग क्या होता है, ऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ये सब पे आपको कमांड रखना होगा, तब ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे। आगे देखते हैं नाउन क्लॉजेस, नाउन क्या होता है, नाउन इज क्लॉज, अ नाउन क्लॉज इज यूज टू प्रोनाउन, यूज एज अ नाउन विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन एक्ट इन द सेम वे एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। सही बात है, नाउन क्लॉज जो होता है वो नाउन की तरह ही काम करता है, कभी कभी नाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है, नाउन एक सब्जेक्ट भी होता है, वो सिर्फ प्रोनाउन नहीं होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वो उसमें क्लॉज ऐड क्या किया जाता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करता है नाउन में, आप देखिएगा वो फ्रेज में आ जाता है, फ्रेज में आपको मैंने अच्छे से बताया था वो ऑन द चेयर वाला सिस्टम, चेयर नाउन है, ऑन द आ गया तो ये फ्रेज हो गया, उसका मीनिंग कुछ निकलता नहीं है, वही ऐड करके क्लॉज बन जाता है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी बताया, हाउ लीजेंड बिगिन इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, हाउ लीजेंड बिगिन इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी बताया, डिड यू नो दैट ड्रैगन्स नेवर एग्जिस्टेड, क्वेश्चन दिया है, कुछ यहाँ पे डॉट डॉट दिया है,
तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उसमें सब्जेक्ट क्या है, दूसरे वाले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारा मैंने कवर किया है पहले वाले में। आप लोग सारा वीडियो देखो समझोगे, जब तक नहीं देखेंगे बाबू, सवाल जवाब नहीं करते हैं आप लोग, ये दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये जो सीक्वेंस वाइज चैप्टर बनाया गया है ना, बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, ये जानबूझ के बुक मैंने रखवाया है, ताकि मेहनत करेंगे वो सीखेंगे। अब सीक्वेंस वाइज चैप्टर है कि क्लॉज कब पढ़ाना है, सेंटेंस कब पढ़ाना है, सब सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है इसमें। वो सब सीखते आएंगे, करते आएंगे, आप जानेंगे उसके बारे में। ये सारा इनडायरेक्ट दिया है, वो बीच में डैश डैश दिया है ना, आपसे पूछ रहा है इसमें इनडायरेक्ट क्या है, प्रिडिक्शन नाउन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे डैश डैश दिया है ना, पहले वाले चैप्टर में आपको मैंने बता रखा है, जो ग्रामर का पहला वाला सेंटेंस पढ़ाया था आपको, और उसमें आपको उसके जो सबसे पहला जो आपका चैप्टर था डिटर्मिनस, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया है सेंटेंस के बारे में भी। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, वो आपको समझना, पहले वो समझेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। तो ये चीज़ सारा दिया हुआ है, उसका मीनिंग बता दिया, नाउन जैसा काम करता है, नाउन सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं चैप्टर को कि चैप्टर क्या है हमारा। ही अराइव्ड एट द रिसेप्शन। अब सेंटेंस है हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया है कि वो कहाँ पे है, रिसेप्शन पे है। रिसेप्शन वो वाला नहीं समझना जहाँ शादी वगैरह में रिसेप्शन मिलता है, वो वाला रिसेप्शन आप लोग नॉर्मली कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठती है, ठीक है, वो रिसेप्शन बोला जाता है, ठीक है। वहाँ भी तो जाती हैं वहीं पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप से वेलकम होता है, वो ऐसा नहीं होता, बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ होता है रिसेप्शन। तो ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है यहाँ पे व्हेन अरविंद अराइव्ड एट द रिसेप्शन, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज निर्भर रहता है, बताऊंगा आगे समझना। यानी जब अरविंद रिसेप्शन के पास आया, उसके बाद है व्हेन अरविंद अराइव्ड एट द रिसेप्शन ही मेट हिज फॉर्मर टीचर। सेंटेंस है प्लस डिपेंडेंट क्लॉज है प्लस इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या है ना, पूरा मिल गया आपको, सेंटेंस भी है प्लस डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। तो इंडिपेंडेंट क्या है, व्हेन अराइव्ड एट द रिसेप्शन ही मेट हिज फॉर्मर टीचर। यहाँ पे देखिएगा दो दो क्लॉज है, दो दो सेंटेंस है कि जब अरविंद आया रिसेप्शन के पास, उसने अपने मतलब जो पहले वाले जो टीचर थे जो उसको पढ़ाते थे, तो उनसे मिला वो रिसेप्शन के पास आया। तो यहाँ पे दो दो क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा था, व्हेन अरविंद अराइव्ड एट द रिसेप्शन। वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं था, बस हाँ ठीक है, सेंटेंस पूरा एकदम सेंस निकल रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट से जब मिल गया वो, तो सेंस निकल गया उसको। वहाँ पे कौन मिल गया, फॉर्मर टीचर, ये समझना पड़ेगा आपको। आई लाइक दैट लीना इज रिलायबल, द मैन हुम आई मेट दिस मॉर्निंग इज तनुज अंकल, ठीक है। वीरेंद्र बिल्ट अ हाउस वेयर द ओल्ड ट्री वॉज यूज टू स्टैंड। अब यहाँ पे देखेंगे पहला वाला सेंटेंस है नाउन क्लॉज है, जितना बोल्ड लेटर में लिखा गया है ना बाबू, जो ब्लैक डार्क से लिखा गया है, वो नाउन क्लॉज है, याद रखिएगा इस चीज़ को एकदम। दूसरा है द मैन हुम आई मेट दिस मॉर्निंग इज तनुज अंकल, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, याद रखिएगा। हाँ, एडजेक्टिव में हुम लगाया है ना, तो वो तो कंजंक्शन आप लोग समझेंगे, हुम आप लोग एडजेक्टिव में बताया था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है उधर, तो ये भूलना नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज उसे ही बोला, आपको सेंटेंस में वर्ड्स पहचानने होंगे, कौन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आना चाहिए आपको। तीसरा है वीरेंद्र बिल्ट अ हाउस वेयर द ओल्ड ट्री यूज टू स्टैंड, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब के बारे में हम जानते हैं। अब वेयर द वीरेंद्र जो बोल्ड लेटर में लिखा है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है बाबू, समझना पड़ेगा आपको ये चीज़, जितना बोल्ड में लिखा है ना, ये सेंटेंस है। आगे आते हैं लेट्स लर्न में कि अब यहाँ पे ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है इसमें क्या कह रहा है, अ डिपेंडेंट क्लॉज इज क्लॉज दैट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, इट हैज टू बी अटैच टू अनदर क्लॉज एट इट्स फंक्शन इज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। सही बात है, कह रहा है डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, शुरुआत में ही मैंने बताया है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वो अकेला क्या कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, वो अकेला अपने आप में एक पूरा मतलब
क्या कहेंगे, वाक्य का मतलब नहीं निकलेगा। बोलते हैं ना मतलब निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता। इट हैज़ टू बी अटैच टू अनदर क्लॉज एंड इज फंक्शन इज एड मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप उसको अनदर क्लॉज के साथ यानी इंडिपेंडेंट के साथ उसको जोड़ते हैं, तब उसके साथ कुछ उसका इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आता है, यानी कंप्लीट सेंस निकल के बाहर आता है। याद रखिएगा ये चीज़। दूसरा है लाइक अ नाउन, अ नाउन क्लॉज एक्ट एज अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सही बात है, एक नाउन जो होता है ना बाबू, वो वर्ब का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। कब करता है, उसका प्लेस अलग अलग होना चाहिए। आप लोग को याद है सेवेंथ क्लास में आपको मैंने नाउन से उसका एडजेक्टिव बना के दिखाया था, एडवर्ब बना के दिखाया था, वर्ब बना के दिखाया था, और ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेशन नाउन है, डिटर्मिंड एडजेक्टिव है, ठीक है, और डिटर्मिन ये क्या हुआ, वर्ब है। ऐसे ही बनता है, वो सारा काम करता है, वो आपका कमांड होना चाहिए उसके ऊपर। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है। दूसरा है लाइक एन एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन आंसरिंग क्वेश्चन लाइक विच व्हाट और व्हाट काइंड ऑफ। एडजेक्टिव जब भी पढ़ा रहा था वहाँ पे सारा जो उसका जो पार्ट्स होता है, टाइप्स होता है, उसमें बताया था कि जो भी सवाल होता है ना, क्वालिटी रहेगा, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका कुछ अलग रहेगा, टाइम वाला रहेगा कुछ अलग रहता है, रिलेटिव रहेगा कुछ अलग रहता है, डेमोन्स्ट्रेटिव रहेगा कुछ अलग रहता है। तो ऐसे उसका मीनिंग उसका व्हाट विच वेन में आता है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके बाद है एन एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन विथ हुम हुम विच। एडजेक्टिव क्लॉज जो शुरू होता है हुम विच, हुम से शुरू होता है, विच तो नॉन लिविंग, हुम हुम पर्सन के लिए लगाया जाता है, तो वो उसके साथ शुरू होता है और रिलेटिव संबंध बताता है। याद रखिएगा, ये बताया भी है मैंने। आगे है मेरा एन एडवर्ब क्लॉज टेक्स प्लेस ऑफ एन एडवर्ब इन द मेन क्लॉज, इट आंसर क्वेश्चन सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। वी बिगिन एन एडवर्ब क्लॉज विद वर्ड्स बिकॉज व्हेन, वेयर, सिंस, आफ्टर, सो दैट। एडवर्ब भी होता है बाबू वैसे ही होता है, उसको आपको सेंटेंस पे अगर उसका आप क्वेश्चन निकालेंगे ना, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे का आता है, ये डिस्कस किया है सेवन क्लास में। फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन जो सेंटेंस है, अगर उसका जो सिंपल सेंटेंस है वो ना क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, ना ही एक्सक्लामेटरी में है, ना नेगेटिव में है, लेकिन आप जब भी उससे क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको प्लेस का पता चलेगा पहला, टाइम का पता चलेगा, ठीक है, क्वालिटी का पता चलेगा, कैसे हुआ वो चीज़, ये याद रखिएगा। बस ये चीज़ समझ के फंडामेंटल बनाएंगे आप तो अच्छे से करेंगे। अब इसके बाद जो मेरा चैप्टर है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग क्लॉज, ये आप लोग बना के दिखाइए, आप लोग बना के दिखाते नहीं हैं, ताकि मैं चेक करूँगा गलती से क्या रहेगा ना, कि उसको कोई नहीं दिखाया अभी तक, कोई नहीं दिखाया है, सब अपने आप को क्या बोलूँ मास्टर ही समझता है सब। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसको भी आप लोग बना के रीच राइट द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, इसमें ऐड करना है बाबू, दोबारा लिखना है नाउन एडजेक्टिव जो अप्रोप्रिएट जो ठीक ठीक लगे उसमें नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज वहाँ पर दोबारा लिख के लिखना है। तो ये आप लोग लिख के दिखाइए कम से कम, ताकि गलती तो करो पहले, ताकि टीचर सही करे उससे, सिर्फ फेयर ही करेगा सब, क्वेश्चन आंसर लिख के दे दूँ, ये सारा करा दूँ, पूरा एक्सरसाइज बनवा के दूँ, समझेगा क्या, पढ़ेगा क्या। सब देखता हूँ फेयर करके बैठता है सब उधर, फेयर का पूरा एकदम बढ़िया से दिखाएगा, सर हो गया, लिख के सर भेज दिए, हो गया। वीडियो किस लिए डाल रहा है आदमी, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट नहीं डालता आदमी, कि क्वेश्चन आंसर ही लिखो सब, सवाल जवाब करता नहीं है सब, सवाल जवाब होना चाहिए बाबू, याद रखिए। नहीं सवाल जवाब करेंगे नुकसान आप लोग का है, कुछ नहीं समझेंगे आप लोग जब तक सवाल जवाब नहीं होगा,
अब वो कोई नहीं करता है, हमेशा से बोलते आया हूँ मैं, सवाल जवाब नहीं करेगा नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग सवाल जवाब कीजिए, ऐसा थोड़ी है कि आपने किसी से पूछा नहीं बताया। फेयर ठीक है ना, आप लोग करते हैं, बड़ा अच्छा हैंड राइटिंग आता है, एकदम बढ़िया से लिख के भेजते हैं, टीचर लिखा दिया उधर लिख के भेज देता है सब। वही पढ़ाई सिर्फ नहीं है ना, कुछ सीखना भी तो है ना। तो आप लोग थोड़ा सवाल जवाब करो, करता नहीं है सब, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा सैडिस्टिक लगता है। चलिए बहुत हो गया, अभी आप लोग ये पढ़िए और समझिए, बनाइए, गलती कीजिए। मैं जानता हूँ गलती होगा ही, मैं भी अपने लाइफ में पढ़ता था तो मुझसे भी गलती बहुत सारा होता था, लेकिन मेरे में एक बड़ा ही बुरा आदत था, मैं टीचर से ना बराबर पूछा, सर मैं बना के ले जाता था, उसमें गलती हो जाता था, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा गलती होता था, ये रियलिटी है। तो वो टीचर से मैं कंफर्म करा था, सर ऐसे अच्छा है, तो मैं पूछता भी, सर ऐसे बनाया था सर, सोच रहा था ऐसे बनाऊँ। तो टीचर बोला, ऐसे कैसे होगा, ये तो गलत है, ऐसे टाइप से बनाना चाहिए था। सीखने को मिला ना, तो स्कूलिंग का ही ना पढ़ा रहा हूँ आज भी, कि मुझे पढ़ना पड़ता है ये सब। तो आप लोग भी समझो वो चीज़, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करो बाबू। स्कूलिंग का ही पढ़ा के पढ़ाता हूँ, जो बचपन में पढ़ा है आज तक याद है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, सीरियसली हो के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, यही चाहता हूँ मैं। टीचर बोलता है, इतना खुल के बोलता है कि सवाल पूछिए तो सवाल पूछिए, नहीं पूछेगा टीचर का कुछ नहीं जाएगा, मेरा पेमेंट बनता है सर, देंगे भी, इसमें दो राय नहीं है। मेरा जो काम रहता है मैं अपना कर देता हूँ, आप लोग का काम है सवाल पूछना, एकदम पूछना है सवाल।